कोई पिट रहा है, कुटाई हो रही है। टॉकिंग अबाउट दिल्ली, तो आप देख सकते हो मेरे लेफ्ट में कोई पिट रहा था। कितना हुआ इसका फिर? मैम इसका अभी ऐसा तो अब क्या बोलूं आपको। मेरी जो ऑल्टो थी ना, हाँ, वो मतलब उड़ जाती थी सीलिंग पे। ऐसे ऐसे हो रहा था उसको ऐसे। हेलो, वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी, हाउ आर यू? I'm good. How are you? Very well, very well. Do you drive? Yeah, I do drive. And so if you want, you can drive. Oh, lovely. I would love to. The only other person who's driven on our show is Prajakta Kohli. Oh, Prajakta drives really well. She does. वो तो गुंडी है. हाँ. थाने की. थाने की नहीं, मुंबई में भी ऐसा गाली गलौज देके चलाती है. हाँ. मैं भी तो दिल्ली से हूँ, ये तो हम सीखते हैं. आपको आदत है. ड्राइविंग के साथ ये भी सीखना पड़ता है. अरे कहाँ जा रहा है? बस कुछ. के करन लाग रहा भाई. आ जा मर जा, आगे आके मर जा. गाड़ी चाटी चोड़ी इधर लाग रहा. लट सकते ना आप साथ ही, और हो ही नहीं सकता दिल्ली में. आप नॉर्मली कामली गाड़ी चला ही नहीं सकते मुझे लगता है. अच्छा अभी बताओ, मुंबई की हम बड़ी बातें करते हैं शो पे, तो कौन सा एरिया सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब है मुंबई का? ये जुहू और जुहू का ये पृथ्वी थिएटर. वाह. क्योंकि जब मैं आई थी तो मेरे घर से जो मैं रहती थी यारी रोड में अंदर, ठीक है, पीछे इनलैक्स की तरफ. इनलैक्स में मैं बाद में शिफ्ट हुई. अरे वाह. या इनलैक्स में कौन नहीं रहा है? हाँ, सब तो, रहते इनलैक्स में. सबको रहना पड़ता है इनलैक्स में. तो मैं रहती थी पीछे, मतलब बॉम्बे खत्म हो जाता है वहां पर. माँ एक बिल्डिंग है सी ब्रीज, वहां रहती थी. हाँ, तो वहीं पर ही आई यूज्ड टू स्टे. और वहां से 70 रुपए लगते थे ऑटो से यहाँ आने के लिए, जुहू आने के लिए. और मैं अपनी फ्रेंड नुंद्रशा, मेरी रूममेट थी, जिनके मतलब पैसों पे और घर पे मैं पल रही थी. तो नुंद्रशा और मैं यहाँ बहुत आते थे. हाँ, हाँ, बहुत ज्यादा. और 70 रुपए देखते ही ना ऐसा लगता था कि आज 65 क्यों नहीं हो गया यार. पैसे नहीं है देने के लिए, पर पृथ्वी थिएटर जरूर आते थे. शायद 7-8 साल हो गए मुझे बॉम्बे आए हुए. ठीक है. मुंबई में आई थी फॉर अ डांस रियलिटी शो. यस, डीआईडी. डांस रियलिटी शो. फॉर अ डांस रियलिटी शो. यस, ऑफ कोर्स. वर्क आउट, देन आई स्टेड बैक. लकीली मेरे मम्मी पापा भी मान गए. और उस टाइम तक किसी को पता नहीं था घर में कि एक्चुअली मेरा प्लान ए, विच वॉज वेल्ड बाय प्लान बी, विच इज डांसिंग, वॉज टू बिकम एन एक्टर. सो आई टोल्ड माई फादर, दिस वॉज पोस्ट माई ग्रेजुएशन, कि पापा नाउ आई रियली वॉन्ट टू लाइक मूव टू बॉम्बे एंड ट्राई आउट एक्टिंग. एंड ही वॉज वेरी सपोर्टिव. मम्मी को था कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो बेटा, फिर कुछ कर लेना. आज तक मेरी मम्मी, यार मेरी मम्मी मुझे आज तक बोलती कि कोई और कोर्स कर लो. अभी 2-4 दिन पहले बोला है मुझे कि कुछ लैंग्वेज. मेरे को लगता है मम्मी मैं पजामा हो गया. आपको क्या लगता है कि मेरे पास सच में मेरे पास बहुत सारा टाइम है? मम्मी कह रही कुछ लैंग्वेज सीख ले जाना, कुछ तो कर ले. तो मम्मा, विच इज अ गुड थिंग, बट आई डू लाइक, आई एम लाइक लर्निंग अ लैंग्वेज ऑन डुओलिंगो, नॉट लाइक अ प्रॉपर बुदेलखंड. हाँ, बिल्कुल सही. यू वर अ बिग पार्ट ऑफ द डांस यू क्रू आल्सो. यस, इन कॉलेज. एंड कॉलेज में तो मैंने एक्चुअली डांस सीखना कॉलेज फर्स्ट ईयर में ही स्टार्ट किया था. किधर गए कॉलेज? गार्गी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी. यस. और ECA स्टूडेंट थी तो फिर छोड़ तो नहीं सकती थी डांस करना, क्योंकि उसी की वजह से मुझे एडमिशन मिला था. ये क्या होता है कि डांस कोटा वगैरह कुछ होता है क्या? ECA. ओके, सुपर. या सो बेसिकली अ मेजर बिट ऑफ योर लाइफ एंड्स अप डूइंग कंटेंपरेरी एंड अ लॉट ऑफ अदर डांस फॉर्म्स, बैले. हां. एंड देन यू स्विच टू मुंबई फॉर अ रियलिटी शो. रियलिटी शो व्हिच डिडंट वर्क आउट. But that was also like 5-10,000 auditions, and then your next film, your first film also is 5-10,000 audition. Oh, re baap re. Oh, audition to chalta raha. Actually, mera jo dance reality show tha na, mujhe itna zabardast doubt tha apne aap upar ki main achhi dancer hui nahi. Haan. And then uska jo maine lesson seekha na ki never doubt yourself, helped me a lot in Dangal ka audition. Yeah. दंगल के ऑडिशन पे मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी कि मैं पहले दिन से बोल रही थी, चाहे मुझे कॉल बैक आया ना आया. बट इट ऑल हेल्प्स देन, टेक्निकली सब एक्सपीरियंस हेल्प करता है लाइफ. डेफिनेटली डेफिनेटली इट ऑल कम्स डाउन. आई थिंक इफ यू कीप लर्निंग योर लेसंस, यू विल बी एबल टू लाइक यूटिलाइज देम इन समवेयर इन फ्यूचर. या देखो बाबा सामने. हम ऐसा थोड़ा सा ब्रिज पे भी बैठते हैं ना, मिलेनियल जेन जी वगैरह के. हाँ, तो वो लाइफ कैसा लगता है? मतलब आई एम बूमर.
फुल बूमर एकदम, मतलब मैं 80 साल अंदर तो मैं एकदम मतलब 70-80 बॉर्न इन या सुबह उठना, योगा करना, मेडिटेशन करना, वैसी हूं मैं। ठीक है, पर बाहर से आई डोंट नो। डेटिंग शेटिंग में भी वैसा सीन है क्या फिर? डेटिंग शेटिंग होती नहीं है यार। व्हाट आर यू सेइंग? और पता है इट्स सो वियर्ड बिकॉज़ लव हॉस्टल इज रिलीजिंग, पीपल आर टॉकिंग अबाउट लव सो मच एंड 14th Feb ऑन हॉस्टल लव एंड सो इन सो मेनी इंटरव्यूज पीपल आर आस्किंग मी अबाउट डेटिंग एंड आई एम नॉट किडिंग, हमारा कल्चर्स ही नहीं है ना डेटिंग्स पे ले जाना। मेरे साथ हुआ ही नहीं कॉलेज में। आई स्टार्टेड टेलिंग पीपल इफ यू नो एनीवन आई एम अप फॉर लाइक डेटिंग और गोइंग आउट टू डिनर और डीएम ड्रॉप एंड देन लाइक व्हाटएवर डेटिंग एप्स हैव यू जॉइंड? टेक मी आउट? नो आई हैवंट, मैंने करा ही नहीं ना ये सब। तो फिर कोशिश ही नहीं की? उससे पहले मैं एक्टर बन गई। अच्छा, और फिर क्या उसकी वजह से क्या ऐसा होता है कि डेटिंग लाइफ को कोई ऐसा अड़ंगा आ जाता है? ऐसा होता है, पता नहीं लोग अप्रोच करना छोड़ देते हैं कि भाई आउट ऑफ रीच है। पता नहीं, ऐसा नहीं है यार ऐसा नहीं है, पर पता नहीं क्यों हो ही नहीं रहा है। तो अभी डेटिंग का कोई सीन नहीं है कि जब तक डेटिंग ऐप आई तब तक मैं काम में बिजी हो गई थी। हाँ, हम और बड़े भी हो चुके थे ना तब तक, मतलब अभी डेटिंग ऐप्स वैसे भी मैं ज्वाइन नहीं करती यार, मुझे पसंद नहीं है। हाँ, थोड़ा फ्लेकी सा लगता है ना, मतलब फोटो पे मेरे से नहीं होता ये सब, बिल्कुल भी नहीं होता। आई वुड प्रेफर कि जिसको तुम आई फील लाइक समवन कि आपके मेरे साथ कॉफी पीने चले गए वैसा। And any pickup lines that you have that you remember from your life? आपके मेरे साथ कॉफी पीने चलेंगे। नहीं, pickup line तो मुझे कोई मारता ही नहीं ना, कोई नहीं मारता है मुझे pickup line। आज तक मेरे को किसी ने मारी नहीं है, मैंने सिर्फ Instagram पे सुनी है, वो जो लोग रील बनाते हैं उन सब पे, are you a runner? Because you are running through my mind, all of this। तो मेरे को कोई experience नहीं है dating का। So this is genuine, like it felt like आपके दिल से निकली ये आवाज कि भाई मुझे कोई experience नहीं है। Somebody ask her out. Like You know what? Like I have dated people. Haanji. Like I've been in relationships, but ये dating culture is very new to us, isn't it? हाँ यार, but मैं तो अपनी मतलब मेरी wife रीमा को बोलता रहता हूँ कि तुम लोग दिल्ली वाले तो मतलब अपनी जीवन जी के आए हो, हम जो इतने नीचे साउथ में इतना नहीं था कल्चर, दिल्ली में फिर भी था यार, क्या बोल रहे हो? नहीं है यार, कोई डेट पे नहीं ले जाता, पहले मम्मी पापा जाने देते घर से। वो भी है, वो तो बहुत बड़ा डेट। मेरे मम्मी पापा जाने देते, मेरी मम्मी पापा कहते कि यार जाए यार। हाँ, जाने भी दिया, दे न्यू ऑल लाइक दे न्यू अबाउट माय रिलेशनशिप्स, बट वो ऐसा परवड़ा नहीं पहले वाला कुछ। नहीं, पर वो वैसा नहीं था कि लेट्स गो आउट ऑन अ डेट, हमारे यहाँ पे तो होता था कि यू लाइक मी आई लाइक यू लेट्स कॉफी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ओके कल से अभी से चालू ऑन डिनर्स एंड ऑल, बट दिस इज वेरी पपी लव दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। या इट इज, है ना? इट इज, बट आई वांट टू गो आउट ऑन डेट्स नाउ। Any Juhu Bandra stories? मैं यहाँ जिम जाती हूँ, ये मेरा जिम है पीछे। यहीं पे? हाँ। क्या नाम? Nice and Easy Fitness। वाह। त्रिदेव पांडे जी मुझे ट्रेन करते हैं। क्या बात है। और बॉक्सर है वो खुद, और बड़ा मजा आता है। आप भी बॉक्सिंग करती हो ना? हाँ, मैं बॉक्सिंग करती हूँ, उसी से सीखा। और अच्छा है क्योंकि दंगल के बाद इतनी ट्रेनिंग के बाद ना एक ऐसा अजीब लगता था कि कुछ करा ही नहीं है, मतलब अभी 3 घंटे की आदत हो रखी है हमें ट्रेनिंग करने की, तो आई थिंक इट्स अ गुड एक्टिविटी, बॉक्सिंग इज अ गुड फन स्पोर्ट। जब मैं बॉम्बे आई तो इट वॉज अ कल्चर शॉक फॉर मी, फॉर यू इट मस्ट बी ना, क्योंकि यहाँ सब इतना मतलब है ना, मुझे भी 6 महीना टिक गए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और दिल्ली वालों को ये भी होता है ना कि कैसे बोलते कैसे हो तुम लोग, तो वो चीज भी बहुत चलता ही अंडर करंट है। या कि तुम लोग बोलते कैसे हो, अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिल्ली वाले बोलते हैं ऐसे तो क्या प्रॉब्लम है। तो थोड़ा मुझे लगा एक थोड़ा मैं आई वॉज लाइक कि अरे सब बड़ा जज कर रहे हैं यार कि हम कैसे बोलते हैं दिल्ली वाले, पर अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अरे बाप रे भाई, और कोई पिट रहा है, कुटाई हो रही है। टॉकिंग अबाउट दिल्ली, तो आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट में कोई पिट रहा था क्या टाइम है गया चोर की कुटाई हो रही थी यहाँ, कुटाई बोल दो नहीं समझेगा लोगों को। हाँ, वो भी है, क्लेश हो रहा था नहीं समझेगा पब्लिक को, पार्टी बीटी चल रही है सो क्यूट, मारम पिट चल रहा है, मारम पिट चल रहा है। मेरे 1, 2, 3, 4, 5 रूममेट्स थे, तो 2 लड़कियां पहले से ही, 6 लड़कियां एक ही घर में, हाँ मतलब 7 लोग एक घर में 2 BHK में रहते थे। ओके। तो 2 लड़कियां पहले से ही थी, प्रतिष्ठा और हर्षिता उनका नाम है, उन दोनों के पास अपना अपना रूम था, और हमें उन्होंने बोला कि ये लिविंग एरिया है, हॉल में बस जाओ और हम बिना कुछ सोचे हम बस गए, हमने कहा ये लगाओ हमारे 2-4 गद्दे साइड पर, हम सबका एक एक कोना, और हम एक हॉल में रहते थे, और हमारे पास वो स्टील की अलमेरा थी, वो गोदरेज वाली, दो जिसपे शीशे थे। ठीक है, और इतना फन पीरियड था ना वो, क्योंकि हम सब पागल,
तो शाम होते ही जैसे ही सब घर वापस आते थे, क्योंकि किसी के पास पैसे तो नहीं थे, तो खाने में भी मतलब कुछ ना कुछ खाते रहते थे. कितने टाइम तक मैंने फ्रूट्स नहीं खाए थे यार, क्योंकि फ्रूट्स खरीदना यूज्ड टू बी अ लग्जरी फॉर मी. हाँ, मेरा भाई बोलता है मम्मी बाहर रहने का पता चला कि अपने आप एप्पल ऑरेंज नहीं आ जाता डाइनिंग टेबल पे. वही, और ड्राई फ्रूट्स. ड्राई फ्रूट्स तो अब मतलब कुछ साल पहले पापा लेकर आते थे मेरे लिए डी मार्ट से भाई, वो बादाम बादाम मेरे को भी पता चला कि वो कौन सा वाला बादाम बहुत महंगा होता है, मरमरा. हाँ ना, वो कैसा ही है कुछ मामरा. हाँ. मामरा मामरा मरमरा तो वो होता है, मुरमुरा होता है यार, सॉरी मरमरा. मामरे मामरे बड़े महंगे होते हैं. मामरे महंगे होते हैं. जब बॉम्बे आए थे तो एकदम ऐसे एकदम ड्रॉप हुआ एकदम. ऐसा नहीं कि मम्मी पापा दे नहीं सकते थे, पर वो था खुद गर्जी. कैसे ले लेंगे यार पापा से पैसे, खुद करके कुछ दिखाएंगे. क्या कमा रहे थे यहाँ पर? और कुछ नहीं. काहे की खुद कर दी? कुछ नहीं, मेरी पहली आर्ट मुझे मिली थी, उसकी बड़ी सही स्टोरी है. क्योंकि मुझे इसने मुझे पता नहीं था कि वो स्लेट में क्या लिखना होता है, तो कोऑर्डिनेटर्स के नाम में जो ऑडिशन ले रहा था ना, उसने बोला मेरा नाम लिख दो. सो आई डेंट नो दैट यू हैव टू गिव देम अ कट. और मुझे मिल भी रहे थे कुछ ऐसा 7,000 या 6,000 रुपए, उसमें से 50% उसने ले लिया. 50% का भाई 10% का होता है ज्यादा से ज्यादा. मेरे को नहीं पता था ना ये सब, पर उसने मुझे बहुत अच्छा बेवकूफ बनाया. और उस टाइम पे मैं ऐसे वो ट्रांजिशन में थी कि सच में कुछ पैसे नहीं थे, तो मुझे मैं बहुत खुश हुई थी व्हेन फाइनली आई वाज लाइक यू कैन कम एंड कलेक्ट द चेक. चेक निकलवाना एक अलग बात होती थी यार, एड्स करके. ओ बाप रे, मैं बांद्रा इतनी बार आई हूँ ना ऑफिसेज में प्रोडक्शन के, कि आज नहीं एक और महीना. मैं एक और महीना वेट नहीं करूंगी, मुझे अभी आज के आज मेरा चेक दो. वो जो 7 लोग थे, फिर वहां से आप आगे कैसे बढ़ी? उसके बाद कुछ 2 साल में अलग अलग जगह रही, और एक पॉइंट पे बड़े सारे लोग साथ में रहते थे. 7 लोग के ज्यादा और कितने लोग रह गए यार? नहीं ना, फिर कोई आ गया किसी के घर से, फिर कोई और फ्रेंड को कुछ चाहिए, तो एक टाइम पे तो 11 लोग रह चुके हमारे घर पर. अब बॉम्बे को आ रहा बेचारे को हम कैसे छोड़ देना, तुम दिल्ली से आए हो, तुम भी स्ट्रगल कर रहा. आजा यार, आजा तू भी आजा. वैसा याद रखेगा. और पर कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है यार रहना, इतने सारे लोग हैं घर पे, सुबह उठो तो सिर्फ जगह चलने की नहीं है, क्योंकि लोग सिर्फ किसी के साथ बंदा और आ गया तो फिर वो मतलब वो कैलकुलेशन ही नहीं बैठती. वही कि अरे ये तुम किसके साथ हो? तुम कहाँ से आए हो? मैं वो मेरी दोस्त. जब दंगल मुझे मिली तो मैं अकेले मूव आउट हो गई थी. फिर मुझे लगा कि अब मैं मेरे पास पैसे में जा रही हूँ. So just laugh for like continuity sakes. We generally end up keeping this part also. क्या बोल रहे थे आप? विक्रांत और बॉबी भाई के साथ काम करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. विक्रांत बहुत अच्छा एक्टर है और बहुत ही अच्छा को एक्टर भी है. तो उसके साथ कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब the day one, डे टू मुझे लगा कि यार इतना अच्छा एक्टर कैसे हो सकता है ये. मस्त आदमी भी बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा है यार, he is so nice. तो बड़ा मजा आया उसके साथ मुझे काम करके. एंड डे वन से ना वी बोथ लाइक एज आशु एंड ज्योति वी फाउंड दैट यू नो अ कॉमन ग्राउंड. या सो वी वर लाइक ऑन द सेम पेज थैंकफुली. एंड थैंक्स टू शंकर सर आल्सो. नो या डेफिनेटली. एंड थैंक्स टू शंकर सर आल्सो, आई थिंक ही हेल्ड आवर हैंड्स एंड ही वाज मेकिंग अस वॉक की ये लो तुम्हारा लव हॉस्टल वैसा टाइप. बॉबी सर के साथ ना व्हेन आई फर्स्ट मेट हिम आई डिडंट नो दैट ही वाज सो टॉल. And I'm quite tiny. So, मेरा जब मैं पहली बार मिली मेरे दिमाग में सिर्फ दुनिया हसीनों का बेला चल रहा था. And he was talking to us about something, but I could not just concentrate and like take my mind off all his popular songs. So, मैं as a fan girl मिली, and then on set also, if you have seen the look, he looks completely different. I think as Dagger he looks scary. Yeah, very. Yeah, तो set पे भी मतलब he was like an edifice. तो मैंने कहा ये तो बहुत लंबे है, तो थोड़ा डर लगा बड़े. पर he's such a nice man यार. yeah. he has a childlike soul. मतलब इतने लंबे, इतने मतलब he looks like very like intimidating, but then he's such a nice warm person. yeah. so I had a lot of fun shooting. मेरे को बहुत फैसिनेट करते हैं यार ये दुकानें ना. मैं बोल रहा था अभी परसों कि यहाँ से कुछ ले लेना चाहिए कभी ना कभी. पूछे क्या? मेरे पास वॉलेट नहीं है तुम्हारे पास? हाँ है. सुनिए ना, ये कितने का है फ्रेम? येलो वाला फ्रेम कितने का है? 3-7 में आएगा. छोटा ये बीच वाला कितने का है? अरे बाप रे, ज्यादा है. दो चाहिए और क्या है भाई? दो चाहिए होगा ऐसा, दो चाहिए होगा ये वाले.
क्या गाड़ी के हिसाब से दाम लगाया क्या भाई? है ना, है क्या तुम्हारे पास? मैं हाँ, तो मेरे पास है बट यार ये 1000 रुपए तो मैं नहीं दे रहा इसके। हाँ ठीक है ओके, उसको बोल भाई कम करे। अच्छा हाँ। तो कुछ अरे अपना अपना दम लगाओ यार। टिन 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 टिन, ये भी कर सकते आप सही दम बताओ, फाइनल बताओ। अच्छा पेटीएम चलेगा? पेटीएम चलेगा, दो दे दो ये वाले बीच वाला दो। और अगर आप बांद्रा में हैं, हिल रोड से अगर सीधा आ रहे हैं, हाँ, तो ये शॉप पे बहुत अच्छा वुड वर्क्स का काम मिलता है, फ्रेम्स या कुछ। हमें इस बात के डिस्काउंट नहीं मिल रहे, लेकिन हम बोल रहे हैं अच्छी चीज़ें। हाँ। हम अच्छे लोग हैं, जनरली वी आर नाइस पीपल, व्हाट टू डू। जेके वुडवर्क्स पे आना भाई, अपना नाम भी बता दो। जेएम वुडवर्क्स। जेएम लाओ दो। आपका नाम क्या है? वसीम कुरैशी। वसीम कुरैशी के पास आइएगा, लाओ पेटीएम। पेटीएम दे दो। कितना हुआ इसका फिर? मैम इसका अभी ऐसा तो अब क्या बोलूं आपको, बस आपके मन की। आप 2000 दे दो दोनों का। 2000 इसका तो एक का 1000, एक का ये 1500 का है मैम। अच्छा ठीक है लो। अच्छा हाँ बात तो सही कर रहे हैं। इसको ऐसे करके चला। ये नहीं है, ये दिल्ली की पब्लिक, ये इन्होंने बिल्कुल भी टाइम नहीं स्पेंड किया सरोजनी में। मैंने किया है पता, मैं कितनी अच्छी थी, अब मेरी आदत छूट गई है। हां यार मतलब डिसअपॉइंट। It's rare that you have so many releases that also do as well. That's true. Paglet was released last year and then Meenakshi Sundareshwar. I think it did really well. I can see that change happening in my career now. So it really excites me. So two questions that are pending. One is, so you interned at Aamir's place then? Yes. So, this is during Dangal. Yeah. And because edit chal raha tha aur pehli film pe aisa tha ki देखते हैं कि क्या होने वाला है खरीद। इसलिए so was that scary also because when the edit happens a bunch of things get cut in or cut out, it's a part of filmmaking. So you got that training in the very first film. You have to let go of, no matter how much you like the script, how much you like the scene, I think it's a part of, you have to see the bigger picture. Ek scene ke liye puri picture you can't. Is there a scene that you miss having made or not made to the cut? No, actually not at all. Really? Yeah, I'm good at like letting go of things, whether it's a scene, people. Yeah, nice. छोड़ दिया। Small town जीवन, मैं ऐसा नहीं लगता जैसे शोर, जैसे हमको यहाँ रहते हुए आदत नहीं हो जाती, मतलब थोड़ी आवाज आती रहे सुबह शाम। बिल्कुल नहीं, मैं तो earplugs लगा के बैठती हूँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ, I like ऐसा nature का sound I can झेलो, but traffic थोड़ा ज़्यादा हो जाता है मेरे लिए। Like where you're going next, you're going to see squirrels. I miss having squirrels around here. What? Yes. I have a bird feeder, so they come to my house. But Mumbai is a national bird, kauwa hai. I don't mind kauwas also, you know. Mere ghar ke, jo mera bird feeder hai, wahan kauwe bhi bahut aate hain. Aur bahut cute hai yaar wo. Abhi kidhar rehte ho? Main yahi andheri mein. So you've been like full Versova char bangla person only? Yeah. Haan. Wahin par hi. Feels nice. To be there. Yours, it feels like. Yeah. Yep, and Bandra is nice too. Actually, Mumbai, anyways, a really nice city. Yes. I like it. Same. So, town was a fascination? Oh, definitely. और यहाँ आके वो सपने अलग होते थे ना, मरीन ड्राइव पे आके अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, फिर लगता था कि ओश डैम फाइनली वी हैव मूव्ड टू मुंबई। यस, वैसे कोई काम नहीं है और धक्के मार मार के टैक्सी लेकर, पता है 500-600 रुपए की टैक्सी लगती थी अंधेरी से यहाँ। यार यहाँ पर एक चीज है वो होती है मुंबई लोकल, 18 रुपए में पहुंचा देती है जो, वो क्यों नहीं ली कभी? मैंने लोकल भी लिया और पता है मेरे पास एक ट्रिक थी, क्योंकि मैं लोकल से बहुत घबराती थी, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा मतलब देयर ओवर एंथुसियास्टिक व्हेन देयर इन लोकल फॉर सम रीजन, नो दे जस्ट वांट टू गेट द कॉर्नर सीट, ऐसे ऐसे करने लग जाते थे, मुझे बड़ा डर लगता था। तो आई यूज्ड टू बिहेव लाइक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एंटरिंग अ लोकल, हमेशा देन पीपल यूज्ड टू हेल्प मी। हां 14th फोर्थ सीट ले लो आप। हां ऐसा मुझे, मैंने कभी लोकल नहीं ट्राई किया है, तो वो हेल्प करते हैं आके।
तो मैं हमेशा बहुत जब भी मैंने लोकल पकड़ी मैंने ऐसी कि मेरे को अब्बा जब्बा डब्बा टाइप कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरी हेल्प कर दो एंड पीपल हेल्प यू बिकॉज़ हां मुंबईकर्स आर बेस्ट यार हेल्प करनी हो ना बहुत हेल्प करते हैं तो बहुत बड़े मस्त तरीके से हेल्प करते हैं तो मैं हमेशा ये करती थी पर अगर कभी टैक्सी लेके गलती से आए कभी बहुत रात हो गई है और आप मरीन ड्राइव पे बैठे बैठे आपको बहुत टाइम हो गया तो फिर टैक्सी नहीं तो टैक्सी लेना पड़ेगा और टेंशन भी होती रहती थी वो मीटर देके 500 के 500 के 500 के मुंबई की एक और बात है आप कहीं पे भी रास्ता पूछ लो ना किसी को हाँ। कोई बोलेगा आपको सीधा जा हाँ बाजू में इधर ही है बाजू में हाँ। बाजू यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा हाँ मुंबई की भाषा बिकॉज बाजू मारो भी है एक उनका क्या बोल रहे हो नहीं राइट मारो हाँ राइट मारो फिर लेफ्ट मारो आगे से लेफ्ट मार रहे मेरे को थप्पड़ दिल्ली वाले तो लेफ्ट मारो फोटोग्राफ के टाइम पे अच्छा तो उनका शूट मेरे से पहले खत्म हो गया था हाँ। तो वो मैंने देखा कि वो ट्रेडमिल पे वॉक कर रहे हैं और उसके इमीडिएटली बाद ही वो शूटिंग सेक्रेड गेम्स ओके तो तब तक तो वो मेरा मिलोनी और रफी वाला वो पीरियड था ना कि मुझे बड़ा अच्छा लगता था उनसे मिलकर सेट पे तो वो पीछे उनकी पीठ दिख रही थी वो वॉक कर रहे थे ट्रेडमिल पे तो मैंने जाके बोला कि हेलो नवाज सर और जैसे ही मैंने उनकी शक्ल देखी ना ही लुक्ड वेरी स्कैरी ही डिडंट लुक लाइक रफी टू मी एट ऑल एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज दैट व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर मतलब ही शूटिंग फॉर सेक्रेड गेम सो ही वाज लुकिंग डिफरेंट दैट हिज एनर्जी फेल्ट डिफरेंट द वे ही लुक्ड एट मी इट डिडंट फील लाइक आई एम मीटिंग रफी फ्रॉम फोटोग्राफ It felt so scary. I was like, okay, ठीक है, walk कर रहे, ठीक, okay, thank you, bye. Yes. वैसा. Yeah. And it's in his eyes. I felt scared when I looked at him when he was at the treadmill. Didn't photograph get like a standing ovation at Berlin? Yeah, it did. It did, na? It and did. A long one that too. Yeah, it did. That was also a very timid role, no? And that's a very also like a very reserved emotion that you're jataing. Yeah, and it was a tough one for me emotionally. For after that film, I genuinely thought that I'm her. It's so weird because I started living her life so much कि मेरे को मैं सबको यही बोलती थी कि I'm very much like Meloni. Because you're also reserved and like. I am, but then I think she triggered those emotions majorly in me. Yeah. So and at that time, since it was my second film, I didn't know how to like strike that boundary with the characters that I'm playing. So I like to sometimes induce those emotions because you have not experienced it. As an actor, you have to sometimes... But that's quite a lot of like taking in. Yeah, it is. But then now I know how to balance it out. Thankfully, I have therapist who can help me out to get out of it. But it took me months to get out of that zone because I got into her so much. I remember I used to meet my friends. I was dating someone at that time. He used to tell me that I don't feel you're the same person anymore. Yeah, because you're like this general bubbly, upbeat person. And then after that, I was like, मेरे को किसी से बात नहीं करनी, मैं अपने में ठीक हूँ वैसा type. But so much fun. It was so satisfying to play a character like Meloni. Yeah. Right? As an actor, I was always satisfied क्योंकि ऐसा लगता नहीं था कि I'm on a shoot. It all felt real. Being with Nawaz on set, it all felt like मैं उसी की ज़िंदगी जी रही हूँ. हाँ. Have to give credit to Ritesh Batra also because he's a brilliant director. Correct. मतलब he didn't let me get out of her world at all. He created that universe for me and he locked me in that. Any stories of Charni Road and town? मैं तो ऐसे घूमती थी यहाँ पर आके. Just you can walk around over there. It's a nice walk. And this ना मतलब Town reminds me of Manto for some reason and his writing. मैं जब भी मंटो पढ़ती हूँ मेरे दिमाग में सिर्फ टाउन आता है कि यही ऑफ कोर्स लाइक उन्होंने भी यही देखकर ही लिखा है अरे मैं आपको भी बता देता हूँ कहानी ना शांताराम डिस्क्राइब्स दिस वेरी वॉल दिस वन इज स्टारबक्स ये तो अभी बना है अच्छा ये तो इतना मतलब था ना मतलब वो जो दीवार है ना वो इधर तक कंटिन्यू करती थी और इधर शेडी एक्टिविटीज होती थी ये क्रिस्टल है बेस्ट राजमा चावल बम्बई के किधर है ये इधर क्रिस्टल में व्हाट मुंबई में राजमा चावल एग्जैक्टली राइट राजमा चावल कहाँ मिलते हैं अच्छे यहाँ लेजिट बेस्ट राजमा चावल ये क्रिस्टल छोटा सा खोपचे में अच्छा लग रहा है मेरे को राजमा चावल बहुत भूख लग रही है यार ऐसे मत करो मेरे 1951 अभी हम लोग स्ट्रॉबेरी क्रीम खा लेंगे तो राजमा चावल बट यहाँ पर जगह नहीं मिलती आपको
बैठने के हाँ। और वो भी तो है यहाँ पे, वो पिज्जा बाय द बे, पिज्जा बाय द बे आगे मरीन ड्राइव पे गिरता है, हम लोग हाँ। उससे पहले ही लेफ्ट ले रहे हैं। और स्ट्रॉबेरीज का सीजन है तो होपफुली स्ट्रॉबेरी क्रीम मिल जाती है। कितने सारे सुख सागर है यार भाई, तीन है यहाँ, बड़े लोग सुखी है यहाँ। एक के पास सिर्फ पाव भाजी मिलेगी आपको, ऐसा सब चीज खाने क्या खा लो, जो खाना खा लो। मैंने अपना ना विजडम टीथ निकलवाया है दोनों अभी रिसेंटली, या एक हफ्ता 5 दिन हुआ। एक पाव भाजी, पाव भाजी, पाव भाजी गरम है ना, लाओ इधर रख दो, मैं पकड़ लेता हूं, ले थैंक यू, पाव एक्स्ट्रा ले ही दो आप, दो पाव। मुझे फुल कॉलेज की फील आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। वाओ हे भगवान, कितनी अच्छी है यार, बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी यार, ये बहुत टेस्टी है, मस्त है ना। You're also like a little child on set and in interviews also. That's a very raw emotion and like very real self to have on camera. I like the child self in me. Yeah, no? Yeah. For the longest period of time, I didn't. Yeah? Like you thought you're supposed to be all poised and... No. वैसा वो स्ट्रेस नहीं था, बट आई थिंक आई लॉस्ट इट। आई थिंक वो आता है फेज जब आप, व्हेन यू ग्रोइंग अप यू स्टॉप डूइंग थिंग्स दैट यू यूज्ड टू लाइक एज अ किड। या सो नाउ आई एम मेकिंग श्योर दैट आई डू व्हाट आई यूज्ड टू लाइक एज अ किड। मजा आता है, दैट्स ट्रू। मतलब थोड़ी सी कीचड़ नहीं, बट ऐसे थोड़ा सा फ्रेश पडल जो बारिश के बाद उसमें जाके, बिल्कुल। अरे यार, जैसी दिल्ली में तो बारिश होती थी तो कोई घर पे नहीं रहता था, अभी बॉम्बे में बारिश हो रही हो तो कोई घर पे नहीं रहता है, पर नोबडी विल गो एंड हैव फन इन बारिश, ऐसा नहीं है, क्योंकि डर भी रहे हो ना कि आप आज शाम को यहाँ तक बारिश तो यहाँ तक पहुंच और ले ले मजे। देखो मजे नहीं है भाई, फन करना है, फन करना है। ये तो तीन महीने तक तो ये होता ही रहता है फन, कभी भी कर सकते हैं बॉम्बे में, दिल्ली में बड़ा कम मत। तो जैसी दिल्ली में बारिश होती थी हम घर से बाहर निकल जाते थे, फिर सब चल रहे थे सारे बॉलीवुड ड्रीम्स यही बचपन में निकाल दिए बारिश में नाच नाच के। अरे इडली भी मिल रही है, चटनी डाल के दे रहा है उसको, मैं तो कुछ नहीं दिया। You want some pav? Are you sure? Yeah. Wow, this was good. Fun, no? खुशी हो रही है खा के। It doesn't feel like an interview. I love it. पाव भाजी कैसी लगी? बहुत टेस्टी। मजा आया? एकदम बटर मस्का मार के एकदम मस्त। ये एक अलग चीज है मुंबई की, यहाँ पे बड़ा मस्का मार के दिया जाता है। बहुत यार, और कितने अच्छे पाव होते हैं यार यहाँ पे। सुंदर पाव। पाव। ये वाले नहीं खाने वाले। पाव पाव। ये जो पाव खाए अपन, ये पाव तो आपको नहीं मिलेगा। ये पाव आपको दिल्ली में मुश्किल होगा मिलना। एग्जैक्टली। क्योंकि आई थिंक यहाँ के पानी में वो बात है। यहाँ के पाव में वो बात है। यहाँ के पाव में वो बात है। यहाँ के पाव जो पाव को नीड करते हैं। लादी में सीधा अंदर करते हैं, डसते हैं। सच में? नहीं नहीं। ये बेस्ट वगैरह में ट्रैवल किया है? हाँ? हाँ? नहीं, मैंने शूट पे बहुत किया फोटोग्राफ में। हाँ? क्योंकि इसी में शूट होता था हमारा। अरे वाह, तो एक मतलब ऐसा डेडिकेटेड बस आपकी थी शायद। हाँ, शूट वाली। और क्या वो फोटोग्राफ, फिल्मिंग फोटोग्राफ वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस इन टर्म्स की, मतलब बॉलीवुड क्रू नहीं था? हाँ, हाफ ऑफ इट वाज हॉलीवुड क्रू। We were shooting at the Gateway of India. Anji. So people were coming and taking pictures with our DOP. Because he's so famous. Yeah. Oh, not shit. With Nawaz. Not with me. People didn't know me, so it's okay. But they were like taking with the crew members, the photos with the crew members. Wow. Yeah. Really? ये हमारे जैसे इनको तो हम देखते रहेंगे, इनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, ये अच्छा। Also in photography your looks are very timid and like very different looking ना? Yeah. So मतलब they're like अरे celebrity ये थोड़ा है, ये तो हमें tourist। अरे ये हो रखा है मेरे साथ, पता है? हम पटाखा शूट कर रहे थे उदयपुर में, और मैं अपने छुटकी वाले कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम में थी, और एक बहुत वाइड एंगल लगा हुआ था बिल्डिंग के ऊपर से। हाँ। मैं चलती भी जा रही हूँ, तो मैं चलती हुई जा रही हूँ, कैमरा कैप्चर कर रहा है, तो एक भाई साहब कहते क्या हो रहा है यहाँ पे? मैंने कहा मुझे क्या बता रहे हैं आप, कुछ ना कुछ करते रहते हैं लोग। चलते हुए रास्ते में लोगों से बात करते हुए जा रही हूँ, बहुत मजा आता है। जब लोग पहचान नहीं पाते और आप खड़े हुए हो, कभी गोरिल्ला शूट भी करना पड़ता है, तो उसमें बड़ा मजा आता है कि खड़े हुए और आपसे आके पूछ रहे हैं क्या शूट चल रहा है, पता नहीं क्या शूट चल रहा है। स्ट्रॉबेरी क्रीम कितना? एक एक ही खाएंगे, दो मालूम वाले दो। हाँ, दो दो दो। विंटर में स्ट्रॉबेरी नहीं खाया तो क्या किया वो ना, मतलब? तो है यार, विंटर कहाँ की विंटर।
जो है उतनी विंटर विंटर है भैया प्लीज. आप जो दिल्ली वाले हैं ना जो कह रहे हैं कि बॉम्बे में ठंड नहीं है, ठंड भाई मुझे तो बहुत ठंड लग रही है. माय गॉड मैं इसे हाथ से खा लूंगा क्योंकि हां यार खाओ. बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है. ये बहुत टेस्टी है, है ना? बहुत ज्यादा. पता है क्या हुआ था मेरे साथ जब मैं लखनऊ में शूट कर रही थी पगलेट के लिए? हाँ जी. आई एम अ क्लीनलीनेस फ्रीक, लाइक आई लाइक थिंग्स टू बी इन ऑर्डर. थोड़ा घर पे सफाई वफाई करके आराम से घर आओ तो सब कुछ अपनी जगह पे होना चाहिए. आई वाज शूटिंग इन लखनऊ और वाइल प्रेपिंग मैंने और उमेश सर जो हमारे डायरेक्टर हैं पगलेट के, हम लोग बैठ के बहुत बातें करते थे प्रेप के दौरान और हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करी वाइल टॉकिंग की संध्या कैसी होनी चाहिए. उसकी कपड़ सबसे ख़राब थी. So there is a very stark difference between her side of the room and her husband's side of the room. Like his cupboard is yes, of course. Proper. Yeah, her shirt is when and hers is like completely when she's putting her parents' clothes in it. It's yes. all over the place. So I became her and I didn't realize that. 2 महीने हमारा shoot चला और जब shoot खत्म होने वाला था उसके 2 दिन पहले I started cleaning my hotel room and I was cleaning it and while cleaning it I called up Umesh sir. मैंने कहा I think sir Sandhya is leaving my system because this is the first time ever in 2 months that I was cleaning my room. Wow. तो बहुत ही मतलब ऐसी चीजें होती हैं यार, बड़ा मजा आता है. है ना? क्या भूल जाते हो? वो सारी boundaries get blurred and then you start living that person's life. Correct. And I really wanted that to happen because you never see Aastik in the film. Yes. Only I had his picture. Yeah, it was all through you. और मैंने गूगल करके एक आदमी की फोटो निकाली थी जो आस्तिक होगा ये जो आस्तिक है मेरे लिए और जो मैं जिसको मैं इमेजिन करती थी क्योंकि मेरे को बड़े सारे इमोशंस उसके प्रति लाना है तो आई नीडेड अ फेस टू इट. आई शोड इट टू शायोनी आल्सो, शी डिडंट लाइक हिम. या तो तेरा पति होगा, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता. मतलब फिर आपने इन द मोस्ट ट्रूएस्ट एसेंस आपने एक तरीके का मेथड अपनाया ना. जो काम किया फिर गीतांजलि कुलकर्णी जो बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर है, या श्री श्री श्रीमती गीतांजलि कुलकर्णी जी जो बहुत ही अच्छी एक्टर है और उसमें वो मिलोनी की बेस्ट फ्रेंड और हाउस हेल्प है. तो आई रिमेम्बर हमारी रीडिंग चल रही थी और गीतांजलि ना अपने साथ एक साड़ी लेकर आई तो शी वोर दैट साड़ी और वो किसी गांव से थी तो उस गांव के गाने वाने लेकर आई हुई थी एंड शी वाज मेकिंग रितेश लिसन टू ऑल ऑफ दिस. तो मैं वहां बैठी, मैंने कहा वाह यार ये थिएटर वाली पब्लिक क्या करती है. या मैं मीनाक्षी कर आई थी उसके बाद आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर दिस वन लव हॉस्टल. तो कितने टाइम तक आई वाज जस्ट मिसिंग मीनाक्षी साड़ी. And I used to call her Meenu, Meenu also. तो मैं मीनू मीनू करके बड़ा मिस करती थी कि यार साड़ी पहनने में मज़ा बड़ा आता था रोज तैयार होने में ना. एज मीनाक्षी आई टू फील वेरी हैप्पी एंड रियली लुक फॉरवर्ड टू गेटिंग रेडी एज मीनाक्षी एंड आई डू दैट एट होम समटाइम्स. ओह यार कभी साड़ी और मैंने सेट से साड़ियाँ भी ले ली तो साड़ियाँ पहन के मैं घूमती हूँ अपने घर पे. मेरी जो ऑल्टो थी ना वो मतलब उड़ जाती थी सीलिंग पे. ऐसे ऐसे हो रहा था उसको ऐसे पकड़ के चलाना पड़ता था कि अरे ये अब भी गई गाड़ी. लोग देख के कहेंगे क्या पागल लड़की है, खाई जा रही है तब से. नहीं ठीक है ना, मतलब अभी भूख लगी तो क्या करें. और मैं कुछ दिनों से ये सोच रहा था कि क्या हमारी इंडियन चीज है क्या कि हम लोग ऐसा स्वीट डिश के बिना हमारा जैसा जीसा नहीं भरता. वो तो है, कुछ मीठे के बाद नमकीन खाना है, फिर नमकीन के बाद मीठा खाना. हाँ कई बार ऐसा भी होता है कि ज्यादा नमकीनों के लाओ मीठा फिर से ले आओ, फिर ज्यादा मीठा के लाओ नमकीन ले आओ. करना पड़ता है ऐसा, साइंटिफिक कुछ हो जाता है कि इतना नमकीन खाएंगे तो इतना मीठा और इतना मीठा तो इतना नमकीन. अब नाउ आई एम सैटिस्फाइड. यू आर अ डांसर आल्सो, तो ऐसा होता था कि घर पे आने के बाद लोग पापा बोलते थे बिल्कुल, एंड आई यूज्ड टू बी अप फॉर इट डांस करना है और जब नहीं बुलाते थे तो क्यों नहीं बुला. अब लोग शादी पे अगर मुझे बुला रहे हैं तो मुझे ही लगता था कि अब जाना है तो करना ही पड़ेगा. कई बार नहीं बोलते थे तो डांस किया और किसी ने नहीं बोला कि सान्या कुछ सोलो डांस कर ले तो मुझे बुरा लगता था. हो कैसे नहीं बोला भाई, अब मुझे शादी पे अगर आप बुला रहे हैं तो प्लीज सोलो डांस करवा लीजिए. मेरे पास सारे एक्ट रेडी हैं सबके सब बैक टू बैक और मुझे बहुत पसंद है ऐसे सोलो परफॉर्मेंस करना. आई लव ऑडियंस,
तो मुझे नचवा लो बस मैं खड़े होकर मैं आपकी शादी में आके नाच लूंगी, कोई बात नहीं। सही बात है। ओटीटी की वजह से ऐसे बाहर गांव से, मतलब बाहर गांव मतलब मुंबई का बाहर गांव, बाहर गांव बाहर गांव वाली पब्लिक मैसेज वैसेज करती है क्या? हां हां, ऐसा इंटरनेशनल कनेक्शन भी है ना, कोई ऐसी याद है कोई डीएम जो मतलब रशिया से आया हो? हाँ, मैं कहीं थी बाहर तो मुझे कोई कहीं थे टर्की से बहुत आते हैं। क्या बात कर रहे हो? टर्की में बहुत मतलब पीपल लाइक बॉलीवुड मूवीज, चाइना ऑफ कोर्स, टर्की पीपल रियली। देखो भाई चाइना तो मतलब आमिर भाई का तो एक अलग लेवल का फॉलोइंग है ही वहां पर, तो वो तो वहां तो आपकी करियर की शुरुआत हो गई है बहुत बढ़िया तरीके से। वही, बट ये टर्की वाला क्या सीन है? टर्की में भी पीपल लव बॉलीवुड, सो यू गॉट लाइक डीएम्स फ्रॉम, या सो मेनी मैसेजेस, वाओ, सो मेनी मैसेजेस फ्रॉम टर्की। यू आर अ डॉगो लवर, दिस वाज पेंडिंग, यू आर अ डॉगो एंड अ कैटो लवर। यस, I'm an animal lover. Do you have a pet in the house? I have a cat which I adopted 4 years back. What she called her? He called Laila. Laila. तो चार साल पहले mental health की बहुत हालत खराब थी मेरी। हाँ। Actually अकेले रहते हो, घर से दूर रहते हो, तो मुझे ऐसा कोई चाहिए था, to somebody to be home to. घर अजीब लगता था, सूना सूना घर आयो काम से और कोई घर पे है ही नहीं to welcome you. Yeah. तो वैसे लायला भी ज्यादा खास भाव देती थी होगी? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो फिर मतलब ठीक है, बट एक और प्रेजेंस है बस कोई है घर पे। हाँ। वैसा। और मुझे हेल्प किया था अडॉप्ट करने में फातिमा ने। अरे वाह। क्योंकि फातिमा बहुत करती है, मतलब शी रेस्क्यूज कैट्स एंड डॉग्स, और उसके साथ मैं भी करने लग गई थी, तो हम कभी रस्ते में कोई दिख गया फातिमा को, सो शी विल नो मैटर व्हाट वो रुकेगी गाड़ी से, शी विल रेस्क्यू द एनिमल, सो कूल, एंड मेक श्योर दैट दे आर सेफ somewhere. But good yaar, I mean it's very important ki people like you speak about therapy, talk therapy kar rahe ho? Haan, to, yeah. To talk therapy is, haan ji. A quick call with my therapist. Best hai, best hai. Yeah, leni chahiye. I think if kai logo ke paas nahi hai wo suvidha that you can call a therapist, but abhi is budget mein announce hua hai, yeah, to hopefully exactly. Kuch na kuch aayega. Thank God. Yes. Thank God, and I'm sure like people should start talking about mental health. Why we keep forgetting that it's a part of our body? Brain is a part of our body. हाँ, hustle, struggle या preparation की कोई कहानी? Hustle culture में तो मैं hustle culture ना, मैं believe नहीं करती इसमें। नहीं। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, and it's so unhealthy. I feel it's not the right way to live. Yeah. It's good like sometimes it's good to distract yourself with the work, but do not keep doing that because then you will lose yourself. And hustle culture मतलब ऐसा लगता है कि काम करते रहना और पूरा टाइम मेहनत करना, कुछ ना कुछ बन जाओगे, but then you are letting your work consume you in some way. जियो ना यार। Yeah. बहुत है। बहुत, और ये इतना हो गया आजकल, मतलब सभी काम करे जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, कोई प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ, और हमारी इंडस्ट्री में तो है ही नहीं है। सैटरडे संडे को मुझे मैसेज आ जाते हैं, कॉल आ जाते हैं, सैटरडे संडे मैं रिप्लाई नहीं करती। बहुत बढ़िया। सैटरडे संडे आई मेक श्योर इफ आई एम नॉट शूटिंग, सो आई वुड रियली रिस्पेक्ट कि कोई ना मैसेज करे। आप भी अपना सैटरडे संडे बनाओ ना यार, बनाओ, प्लीज बनाओ, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी बिल्ली को चिल करो, उसको परेशान करो, पौधे लगा लो, पौधे लगाओ, पौधों को पानी दो। हाँ। हसल कल्चर मेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मैं तुम सो टाइम पे अपनी पर्सनल लाइफ जियो यार, काम हर चीज नहीं होती है। नींद कितनी अच्छी चीज है ना भाई यार। You're also a timid and warm person. Like I don't know how you said anything about the dating life not being like on like fire or whatever, but like yeah, I don't know why. I seriously don't know. If you do you have any tips for me? Yeah, I'm to like a sucker for old school romance. Like yeah, me too. That's the thing. That's the right thing. I think I should start saying that to people because yeah. It's not that I'm not open to it. It's just like I like things old fashioned. Yes.